सो हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बेसिकली एक हमारे सामने एक दिक्कत आती है कि जब कोई हमें क्वांटम केमिस्ट्री में कोई फंक्शन दिया होता है, उसे NLM की वैल्यू कैसे निकालें। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जाता है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में काफ़ी टाइम पूछा जाता है, JEE एडवांस में भी पूछा जाता है कई बार। तो ये काफ़ी हेक्टिक सा रहता है कि NLM की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। नेट में तो ये बहुत बहुत टाइम बहुत बार पूछा ही जाता है। देखो, मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि NLM की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। इससे तो बहुत ही सरल तरीका है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको इस फंक्शन को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप इसको लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो, नोट डाउन कर लो। तो अगर आप इस फंक्शन को ध्यान रखोगे तो हम बाकी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हमें फंक्शन दिया होगा एग्जाम में, उसको हम आसानी से कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, जो साई होता है वो NLM के लिए कैसे डिफाइन होता है, देखो। तो साई NLM के लिए कैसे डिफाइन होता है, वो आर थीटा और फाई पर डिफाइन करते हैं उसको। कैसे, ए इंटू, ये कॉन्स्टेंट है, आर की पावर एल, ब्रैकेट में क्या है, अल्फा माइनस आर की पावर एन माइनस एल माइनस वन, आर की पावर एन माइनस एल माइनस वन की पावर। अब ये जो पावर है, ये कुछ भी हो सकती है, ये पावर कुछ भी हो सकती है, ये पावर मतलब कॉन्स्टेंट भी हो सकती है या कोई फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें इससे मतलब है, हमें इस वाले फंक्शन से मतलब है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, हमें इसको ध्यान रखना है। इंटू ई की पावर माइनस जेड आर अपॉन एन ए नॉट एन, ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं रेडियल पार्ट। आप जानते होंगे जो फंक्शन होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रेडियल पार्ट और एक एंगुलर पार्ट। एंगुलर पार्ट में क्या आता है, कॉस की पावर एल माइनस मॉड एन, इसका बहुत ध्यान रखना है, इंटू थीटा इंटू साइन की पावर मॉड एम इंटू थीटा। मतलब जो एंगुलर पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक थीटा और फाइव, इंटू ई रेज टू पावर आई एम फाइव। तो हम यहां से एल माइनस एल और एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इसको ध्यान रखना है आपको। अब होता क्या है कि जब हम रेडियल नोड्स की बात करते हैं ना, रेडियल नोड्स की जब हम बात करते हैं तो होगा क्या, जो r की पावर n माइनस एल माइनस वन है, अल्फा माइनस n r की पावर n माइनस एल माइनस वन, तो बेसिकली जीरो के इक्वल हो जाता है। तो n माइनस एल माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो जो टोटल रेडियल नोड्स होती हैं, जो टोटल रेडियल नोड्स होती हैं, ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। बेसिकली जो टोटल रेडियल नोड्स होती हैं वो कितनी आएंगे आपके लिए, वो आती है एन माइनस एल माइनस वन। तो ये टोटल रेडियल नोड्स होती है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताओ टोटल रेडियल नोड्स कितनी है, एन की वैल्यू है, एल की वैल्यू है, तो आप ऐसे इसको इसको यूज करके आप टोटल रेडियल नोड्स बता सकते हो कि इतने टोटल रेडियल नोड्स हैं। तो इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। देखो ये क्वेश्चन है, आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको डिफाइन करना है एन एल और एम के टर्म्स में, या एन एल एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो अब वो ध्यान क्या रखना, देखो अभी हमने फंक्शन में क्या देखा था कि ई रेस टू पावर क्या था, माइनस में जेड आर अपॉन एन ए नॉट। तो देखो एन की वैल्यू तो हम यहां से डायरेक्ट टू भी कर सकते हैं। और देखो क्या इसमें कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, एन माइनस एल माइनस वन क्या होने वाला है, जीरो, क्योंकि कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है ही नहीं इसमें। तो इसका मतलब क्या है, एन विल बी एन माइनस एल विल बी इक्वल टू वन, और एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल प्लस वन, एन इक्वल टू एल प्लस वन। या अभी हमें एल की वैल्यू चाहिए, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन माइनस वन, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, या देखो क्या, देखो एन की वैल्यू यहां से भी निकल गई। एल की वैल्यू एक तरीके से और निकाल सकते हैं, कैसे, हमने क्या देखा था, आर की पावर एल, क्या देखा था, आर की पावर एल, ए इंटू आर की पावर एल था। तो R की पावर L, देखो R की पावर L इक्वल टू क्या है यहाँ पे, R की पावर 1, क्योंकि A नोट तो कॉन्स्टेंट है। तो L की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो यहाँ से N की वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हैं, अभी हमने देखा यहाँ N की वैल्यू 2 है, या हम यहाँ से अगर L की वैल्यू को N की वैल्यू को वेरीफाई करें तो L प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने पॉलिनोमियल फंक्शन पे, अब उस पर एंगुलर पार्ट पर। एंगुलर पार्ट में हमें क्या चाहिए, एम चाहिए हमें, देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा। देखो अब एंगुलर पार्ट देखते हैं, एंगुलर पार्ट था क्या हमारा, एंगुलर पार्ट ये था। इसमें क्या है बेसिकली, देखो कॉस थीटा की पावर एल माइनस मॉड एम इक्वल टू जीरो। अब देखो
अब इधर आ जाते हैं, देखो अब बेसिकली इसमें ई रेस टू पावर आई एम फाइव वाला पार्ट तो है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ई रेस टू पावर आई एम फाइव विल बी इक्वल टू वन। अब ये ऐसा कब होगा, जब एम की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है जी, एम की वैल्यू पता चल गई। और देखते हैं और क्या है हमारे पास, हाँ जी एम की वैल्यू पता चल गई। एल माइनस मॉड एम इक्वल टू क्या है जी, देखो अब यहां देखते हैं, एल माइनस देखो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस एल माइनस मॉड एम इंटू थीटा। तो एल माइनस मॉड एम विल बी इक्वल टू वन, एम की वैल्यू क्या है जीरो, तो एल माइनस जीरो इक्वल टू वन, तो एल की वैल्यू क्या आ गई वन। तो यहां से ये वेरीफाई भी हो गया कि हमारी जो एल की वैल्यू थी वो ठीक आई थी। तो हम ऐसे अपने क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो देखो एन की वैल्यू क्या आई टू, एल की वैल्यू क्या आई वन, और एम की वैल्यू क्या आई जीरो। तो इस फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टू कॉमा वन कॉमा जीरो, फाई एन एल एम। तो ये बहुत ही सिंपल है, ऐसा करके हम निकाल सकते हैं। तो एक दूसरा क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। कभी कभी तो ये चार मार्क्स दिलवा के जाता है, एडवांस में तो पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, बट हाँ ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप उसको याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी।